हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में एक जिराफ शेप ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एरिया सेलेक्ट करते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल टूल्स लिया है, ठीक है, रेक्टेंगल टूल्स, और एक रेक्टेंगल्स को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम लाइन टूल्स की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम कौन सी की को प्रेस करते हैं, शिफ्ट की को, ये देखिए। अब हम यहाँ पर पेंसिल टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर ग्रास दिखा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कमांड चलाएंगे और पेस्ट कमांड चलाएंगे, ठीक है, कॉपी और पेस्ट, ये देखिए पेस्ट कमांड चलाइए, ये देखिए। अब फिर से हम पेस्ट कमांड चला देंगे, ये देखिए, और इस एरिया को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ये देखिए, राइट। अगेन हम पेस्ट कमांड चलाएंगे, ये देखिए, पेस्ट कमांड से क्या हो गया, हमें बार बार ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब पेंसिल टूल्स लेंगे और ये जो एरिया रह गया है इस एरिया में भी हम ड्रॉ कर देंगे, जो ये है छोटा सा, कंप्लीट में थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो कलर क्या होता है, निकल के आ जाता है हमारा। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स लेंगे। दो क्लाउड्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। इसके बाद हम सर्कल शेप लेंगे जिराफ बनाने के लिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, और एक सर्कल हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इससे मिला देंगे, इसके लेग्स बनाने के लिए एक को हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे, ये देखिए पूरा कंप्लीट इससे मिला दिया है, ठीक है। अब हमें एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करना है, ये देखिए यहाँ पर ड्रॉ किया है, राइट। अब हम लाइन टूल्स का यूज करेंगे इसके यहाँ पर एक लाइन बनाने के लिए, शिफ्ट की प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर भी हम, जिससे कि हमारी लाइन स्ट्रेट आए, ठीक है, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। अभी थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जूम टूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगेन इसको ऑफ कर देते हैं, जब उनको मिनिमाइज कर देंगे हम, ठीक है, ये देखिए। अब हमें सर्कल टूल्स की ज़रूरत है, तो सर्कल टूल्स लेंगे और यहाँ पर इसकी हम आइज को ड्रॉ करेंगे, एक आइज और टू आइज, ठीक है। आइज में हम फिल विद कलर टूल्स का यूज करके ब्लैक कलर्स यूज करेंगे, राइट। इसके बाद हम शेप टूल्स लेंगे और इसकी नोज को ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए योगी इसकी नोज। अब हम यहाँ पर कर्व टूल्स लेंगे, ठीक है, ये देखिए ये बना दिया हमने। अब अगेन हमें सर्कल टूल चाहिए, ये देखिए सर्कल टूल्स लेंगे और एक इस डायरेक्शंस में और एक हमें इस डायरेक्शन में सर्कल टूल्स लेंगे और एक इस डायरेक्शन में हम इसको ड्रॉ कर देंगे। दोनों डायरेक्शन में हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पर लाइन टूल्स का यूज करेंगे, ये देखिए शिफ्ट की प्रेस करेंगे जिससे स्ट्रेट आए लाइन, और एक और यहाँ पर, ये देखिए इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी छोटी सी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है लाइन टूल्स की हेल्प से। इसके बाद हम फिर से शेप सर्कल टूल्स लेते हैं, और अब देखे जाते हैं हमें जो पेंटिंग यूज बना रहे हैं वो हम सर्कल टूल्स और लाइन टूल्स का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें कंप्लीट में येलो कलर फिल करेंगे, फिल विद कलर टूल्स यूज करेंगे, और हमारी जो कंप्लीट ये जिराफ की शेप्स है इसमें हम येलो कलर को फिल करेंगे अपनी पेंटिंग में अपने हिसाब से, ये देखिए कंप्लीट में।
पूरा यहाँ पे येलो कलर हो गया है। अब हम यहाँ पर ब्राउन कलर लेंगे और शेप टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। और इस सर्कल थोड़ा सा हम इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए एक यहाँ पर, अपने हिसाब से कहीं पर भी हम जहाँ पे नीड लगे इसकी, ये देखिए एक सर्कल यहाँ पर, ठीक है। अब सर्कल का साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे कंट्रोल प्लस की प्रेस करके, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं शेप टूल्स का यूज करके। शेप टूल से सर्कल ईजी हो जाते हैं ड्रॉ करना। अब हमें कलर फिल करने हैं, ठीक है। कलर फिल करने के लिए सबसे पहले मैंने स्काई कलर का यूज किया है, ठीक है, स्काई ब्लू कलर का। ये देखिए फिल विद कलर टूल्स का यूज किया है और यहाँ पर मैंने कलर्स को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अपनी पसंद के हिसाब से हम कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है अगेन मैंने और यहाँ पर नीचे फिल कर दिया है। अब डार्क ग्रीन कलर लिया है उसको यहाँ पर फिल कर दिया है। अपने पसंद के हिसाब से हम फिल कर सकते हैं। अब हमने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया है, जिराफ की जो हमारी शेप बन के आई थी इस शेप को, ठीक है, सिलेक्ट किया है, कॉपी किया है और पेस्ट किया है, ठीक है। इससे क्या हुआ हमारा ये डबल बन गया, ठीक है। अब हम एक बार और पेस्ट कर रहे हैं इसे। और जब अब की बार पेस्ट कर रहे हैं तो हम कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करेंगे जिससे कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है। बेबी जिराफ, ठीक है, कंट्रोल माइनस छोटा कर देंगे इसको। फिर से हम छोटे वाले को सिलेक्ट करके कॉपी किया है मैंने और पेस्ट किया है, ठीक है, राइट। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एक साथ, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा हमने एक सुंदर सी पेंटिंग तैयार करी है, राइट। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर सर्कल भी दिखा सकते हैं शेप टूल्स का यूज करके, बारीक थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम कर लेंगे, हल्के हल्के से स्टार भी दिखा सकते हैं बारीक से जिससे कि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगे। ये देखिए कंप्लीट में थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, और यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ ब्लैक कलर से दिखा सकते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए ग्रास भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जिराफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं शेप टूल्स का यूज करके, और इसमें सर्कल लाइन टूल्स फिल विद कलर टूल्स का यूज करके, बिल्कुल सिंपल मेथड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।